मालेगांव बम विस्फोटक मामले में लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया का सामना कर चुकी इस मामले में अभियुक्त और मध्य प्रदेश के भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बड़ा झटका लग गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मुंबई की विशेष NIA कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कोर्ट में हर सप्ताह उपस्थिति से छूट मांगी थी। प्रज्ञा ठाकुर ने अपने आवेदन में दलील दी थी कि वो एक सांसद है और उन्हें दिन प्रतिदिन संसद में हिस्सा लेना है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर को हर हफ्ते सुनवाई के दौरान पेश होना पड़ेगा। हालांकि मुंबई की विशेष NIA अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर को अदालत में उपस्थिति होने से आज के लिए छूट दे दी है। भोपाल से पिछले महीने लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर NIA अदालत में 7 जून को पहली बार पेश हुई थी। इस मामले में आरोप तय होने के बाद बीते साल अक्टूबर में वो अंतिम बार हाजिर हुई थी। न्यायाधीश ने तब कहा था कि केवल ठोस कारण दिए जाने पर ही पेशी से छूट दी जाएगी। इस दौरान कोर्ट में जज ने साध्वी सहित उपस्थित सभी आरोपियों से सवाल पूछे। हालांकि जज के सवालों के जवाब में प्रज्ञा ने कोई जानकारी नहीं होने के कारण बात नहीं कही। मालेगांव में हुए बम धमाकों पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है। सुनवाई के दौरान प्रज्ञा ठाकुर से जज ने पूछा था कि अब तक जांच में सभी गवाहों ने कहा कि 29 सितंबर 2008 को एक धमाका हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, इस बारे में आपका क्या कहना है। इसके जवाब में प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, मुझे नहीं पता। कोर्ट में जज ने भाजपा सांसद से पूछा कि क्या आपको पता है या आपके वकील ने आपको सूचना दी है कि अब तक कुल कितने गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। इस पर उन्होंने फिर से कहा, मुझे नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।